उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में ईवीएम मशीनें और बैलेट पेपर पकड़े जाने पर सपा समर्थकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सपा समर्थकों ने मतगणना स्थल के बाहर हंगामा किया और मतगणना भवन के अंदर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली। सपा समर्थकों को जिला अधिकारी द्वारा समझाने का भी काफी प्रयास किया गया। जिला अधिकारी के अनुसार बैलेट पेपर और मशीनें मतगणना में ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों के लिए लाए गए थे। ये बैलेट पेपर डिलारी के तहसीलदार लेकर पहुंचे थे। सपा समर्थकों का कहना है कि ये सब मतगणना में हेराफेरी करने की तैयारी की जा रही है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमने कहा कि मैं अभी गाड़ी आई चेक करूं, नहीं करी चेक, गेट पर क्यों नहीं कर रहे आप? ऊपर आज मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो तूफान आया हुआ है, जो सुनामी आई हुई है, मुझे तो और जनता ने दो ही चीजों को देखा है, एक नाम को और एक निशान को। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट डाले हैं और साइकिल के निशान पर वोट डाले हैं। इस तूफान को देखकर, इस सुनामी को देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह कोई दीवाना अपने खुद बाल नोचता है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसलिए कल मैं समझता हूँ जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सूरज के डूबने का समय आ जाएगा और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अखिलेश यादव जी कल दोपहर तक ही मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री बनेंगे। इमरजेंसी में इस समय मतगणना स्थल पर है, क्या मामला है? ये क्या मामला है यहाँ जा? ऐसा है कि मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पर बैलेट पेपर्स जो हैं, कोई अधिकारी लेकर एंटर हुआ है यहाँ पे, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पर वो एंट्री कैसे मिली, ये बड़ा जाँच का विषय है। और इसको मैं अभी अभी आया हूँ, जस्ट पहुँचा हूँ, और हम इसकी तहकीकात कराकर सजावार को सजा दिलाने का काम करेंगे।
क्या शिकायत? अभी तक चुनाव आयोग से, जब तक चुनाव चले, चुनाव आयोग से अखिलेश यादव ने भी और पार्टियों ने भी लगातार शिकायतें की है कि चुनाव में धांधली हो, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई। मैं समझता हूँ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार गूंगी और बैरी और अंधी सरकार थी, बिल्कुल उसी का असर जो है वो चुनाव आयोग पर पड़ा है। आप कोई शिकायत कर दीजिए, आज तक अभी तक न कोई एक ट्रांसफर कराया है, न कोई एक्शन लिया है, न जाने कहाँ है चुनाव आयोग, वो चुनाव भी जानता और आयोग जानता है। तो आप ये मानते हैं कि जो आज यहाँ पे आपको बैलेट कर रहे हैं, तो आप चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा? हमें नहीं समझता, मगर शिकायत करना हमारा फर्ज है। हमें नहीं समझता कि न्याय मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार जब आ जाएगी तो सजावार को सजा जरूर दिलाने का काम करेगी। धन्यवाद। हाँ देखिए, बिलारी विधानसभा के बारे में कुछ शिकायतें थी, समस्याएं माननीय प्रत्याशी को थी। वहाँ पर बिलारी में कुल 2300 पोस्टल बैलेट दिए गए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिसमें से 851 यूज हुआ था, 1449 बैलेट पेपर अनयूज था। अनयूज बैलेट पेपर का तरीका ये होता है कि जब काउंटिंग हमारी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है, उसके बाद उसको सील करके स्ट्रांग रूम में रखवा दिया जाता है डबल लॉक में, वो कल होना है प्रक्रिया। तो जो बचे थे उसको लेकर के यहाँ आए थे, जिसको सपा के लोगों ने रोका था, उनसे बात हो गई, उसको स्ट्रांग रूम में भिजवा दिया गया है और उन्होंने एक अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है, जिस पर हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं। देखिए, पेटियां इसलिए होती हैं कि जो हमारे पास बैलेट पेपर जो उसके पोस्टल के काउंट होते हैं, उसको उस पेटियों में रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा जाता है, लेकिन उनकी आपत्ति थी, उसको देखते हुए यहाँ से हटा दिया गया। सर, क्या कार्रवाई हुई आपत्ति के बाद? अभी आपत्ति प्राप्त हुई है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है, सारे अभिलेख देखे जा रहे हैं, कितने पोस्टल बैलेट दिए गए थे, उसमें से कितने यूज हुए हैं, कितने वापस आए हैं, उसके आधार पर आगे हम लोग निर्णय लेंगे। चलो, थैंक यू।